हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके चैनल फैंटेसी डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है यहाँ पे एम वर्सेस बीओटी के बीच जो मैच होने वाला है यहाँ पे स्टॉक होम टी टेन टी टेन का इस मैच की वीडियो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी एज ऑलवेज आपके लिए इस वीडियो में आपके साथ स्मॉल लीग की टीम प्लस ग्रैंड लीग की टीम प्लस इन्वेस्टमेंट uh, कैसे करनी है और आपको टीम uh, कौन सी स्ट्रांग रहेगी वो सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है फैंटेसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है पर आपको हमारे टेलीग्राम के जो रियल और ओरिजिनल चैनल है उससे कैसे जुड़ना है आपको करना क्या है कि वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन उसको आपको ज्वाइन कर लेना है तो ध्यान रखना अगर आपको हमारे टेलीग्राम के सही और ओरिजिनल वाले चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको लिंक का ही यूज़ करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है तो ध्यान से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जैसे मैंने आपको बताया अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट है बट उससे पहले से जरूर ध्यान रखना जब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है अगर आप सर्च करके ज्वाइन करोगे तो किसी गलत या फेक चैनल के साथ जुड़ सकते हो तो सही तरीका सिर्फ एक ही है कि आप लिंक का यूज़ करना है जो वीडियो के नीचे कमेंट में आपको दिया हुआ टेलीग्राम का तो बात की जहाँ पर एम आर की टीम के बारे में उससे पहले बताया जाता है टी टेन का फॉर्मेट रहने वाला दस दस ओवर का मैच है इन्वेस्टमेंट मीडियम रखना बट ज़्यादा मत करना और टीम अभी देखा जाए फिलहाल जो स्टेजेस ग्रुप स्टेजेस में जो परफॉर्मेंस रही है उस लीग स्टेजेस में उसमें देखा जाए तो एम की टीम कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रांग नज़र आई है ठीक है बाकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे पॉसिबल प्लेइंग इलेवन क्या रह सकते हैं एमआर ए की उससे पहले देखा जाए तो लीग स्टेजेस पे एमआर की टीम ने आठ मैचेस खेले जिसमें सात मैच विन करे और सिर्फ एक मैच हारे हैं तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी विनिंग ट्रैक पे टीम चल रही है एम की और पॉसिबल प्लेइंग इलेवन क्या रहने वाले यहाँ पे डब्ल्यू हैदर इनके लिए ओपनिंग करने वाला है और नौ मैचेस में अभी तक सोफा टूर्नामेंट में एक सौ बासठ रन स्कोर किया है बैटिंग सेक्शन में आप पिक कर सकते हो अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है यहाँ पे डब्ल्यू हैदर बाकी एस अली शेर अली के बारे में बात की है तो बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा है नौ मैचेस में ऑलरेडी दो सौ रन कर चुका है बैटिंग से और साथ ही साथ छह विकेट भी ले चुका है और अट्ठारह ओवर सो फार बॉलिंग करी आपको पता है ओवर के मैच में मैक्सिमम एक बॉलर एक मैच में दो ओवर कर सकता है तो यहाँ पे नौ मैचेस में अठारह ओवर करे तो समझ जाना कि हर मैच अपने दो ओवर पूरे कंप्लीट कर रहा है शेर अली तो मेरे लिए देखा जाए तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए इंपॉर्टेंट है सात मैच्टी नाइन रन मारे हैं और आठ विकेट लिए और तेरह ओवर बॉलिंग करी है सात मैच में तेरह ओवर तो मतलब ऑलमोस्ट दो ओवर हर मैच में डाल रहा है तो इससे पहले इंपॉर्टेंट बॉलर है जो हर मैच पूरे अपने दो ओवर कंप्लीट कर रहा है और दूसरी बात की जाए बैटिंग से फिलहाल उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं पर बॉलिंग से काफी अच्छे टच में है तो आप टीम में जरूर ले सकते हो इवन वाइस कैप्टनसी कंसिडर कर सकते हो अब ए उल्ला के बारे में बात किया तो नौ मैचे से छियालीस रन ही मारे थे उतने अच्छी फॉर्म में नहीं तो मैं शायद पिक ना करूं और मुस्तफा के बारे में बात किया तो नौ मैचेज में सत्तानवे रन ऑलरेडी स्कोर कर चुका कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्शन तो नहीं है और ना ही ऐसा कोई बढ़िया परफॉर्मेंस करा है बैटिंग से तो ओके प्लेयर है बट ग्रैंड लीग के लिए जरूर ट्राई करने के लिए बोलूंगा विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको नजर आएगा बाकी एस खान के बारे में नौ मैच में टीम के लिए तीस रन मारे और पांच विकेट लिए तो बैटिंग से भी उतना कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है और बॉलिंग से भी देखोगे तो नौ मैच में सिर्फ पांच विकेट है और सात ओवर बॉलिंग करी है तो बॉलिंग भी कुछ ज्यादा ओवर नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उतना इंपॉर्टेंट मुझे नजर नहीं आता बाकी एफ वकास के बारे में अगर बात की जाए पांच मैचेस में बीस रन मारे और दो विकेट लिए और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ दो ही ओवर बॉलिंग करी है तो बॉलिंग ज्यादा नहीं कर रहा है एटलीस्ट मैक्सिमम दस ओवर एक पांच मैच में बंदा कर सकता है बट यहाँ पे सिर्फ दो ही ओवर डाले और बीस रन मारे दो विकेट लिए ठीक है बैटिंग सेक्शन में आपको ऐसा प्लेयर मिल रहा है थो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकता है और कभी पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकता है इसलिए आप पिक कर सकते हो ए रजा की परफॉर्मेंस देखा जाए तो नौ मैचेस में चार रन मारे बैटिंग से और पांच विकेट लिए तो उतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन बॉलिंग से रजा का भी नहीं रहा है बट टीम में इसलिए ले सकते हो कि नौ मैचेस में सत्रह ओवर बॉलिंग करिए तो ऑलमोस्ट अपने दो ओवर ऑलमोस्ट हर मैच में कंप्लीट कर रहा है तो इस पॉइंट ऑफ यू से अपनी टीम में ले सकते हो बाकी आई अली इंपॉर्टेंट रहेगा नौ मैचेस में अट्ठारह विकेट निकाल चुका है और जस्ट तेरह ओवर में तो ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा टीम में लेना ही लेना है बाकी बेंच में जो है वो ए लो ने जिसने नौ मैच में छत्तीस रन मारे उतना उतनाटेंट नजर नहीं आता अजहड अली चार मैच एक रन एक विकेट दो ओवर बॉलिंग करी उतना इम्पोर्टेंट नजर नहीं आते आता यहाँ पे ए अट्टा के बारे में अगर बात किया तो नौ मैचेस में पांच विकेट ले चुका है चौदह ओवर डाल के ट्राई करना है तो ग्रैंड लीग में कर सकते हो अब इम्पॉर्टेंट प्लेयर बोलोगे तो मेरे लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि डब्ल्यू हैदर शेर अली और यहाँ पे सुलेर टॉप थ्री इंपॉर्टेंट बनेंगे देन मिडिल ऑर्डर पे देखा जाए तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं पर बॉलिंग में आई अली रजा और वकास को ट्राई कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग कुछ पिक बन सकते हैं आपके लिए एमआर की टीम से इस मैच में अब बीओटी के बारे में बात की तो बीओटी की टीम ने लीग स्टेज में आठ में से पांच मैच विन करे तीन हारे हैं तो इसलिए बोल रहा हो कहीं ना कहीं एम की टीम ने सात विन करे आठ में से इन्होंने पांच तो इसी चक्कर में कहीं ना कहीं एम की टीम कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रांग नजर आती है और टी तरार इनके लिए ओपनिंग कर रहे हैं यहाँ पे बीओटी के लिए नौ मैचेस में ऑलरेडी एक रन सीजन कर चुका है और सात विकेट निकाले तो बैटिंग से भी ओके अच्छी परफॉर्मेंस है बॉलिंग के साथ भी कंट्रीब्यूशन अच्छा है नौ मैचेस में पंद्रह ओवर करे तो कहीं ना कहीं अपनी टीम में वाइस कैप्टनसी कंसिडर कर सकते हो तरार को बाकी एस ख्वाजा उनकी टीम का विकेट कीपर हो प्लस ओपनिंग करने आ रहा है नौ मैचिस में एक रन कर चुका है और बहुत अच्छी फॉर्म में इसलिए कहीं ना कहीं कही टीम में जरूर लेना इंपॉर्टेंट रहेगा विकेट कीपिंग सेक्शन में बाकी है जेड महमूद नौ मैचेस में एक सौ रन बनाए अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा और छह विकेट लिए और 11 ओवर बॉलिंग करिए भले ही ओवर कम करे हो बट ध्यान रखना विकेट्स छह निकाल चुका जस्ट नौ मैचेस में और यहाँ पर अगर आपका कंफ्यूजन बढ़ रही है कि आप तरार को वाइस कैप्टनसी करो या फिर महमूद को तो कहीं ना कहीं महमूद थोड़ा आगे नजर आता है एक तो मैचेस दोनों ने बराबर खेले तरार के सिर्फ 120 सौ बीस है महमूद के इक्कीन तो बैटिंग के मामले में महमूद है और विकेट के मामले में भी देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं है तरार ने भले ही बॉलिंग ज्यादा करी पर विकेट साथ ही लिया और महमूद ने सिर्फ जस्ट ग्यारह मैच में छह विकेट तो वाइस कैप्टन के लिए कहीं कही ना कहीं मुझे महमूद ज्यादा बेटर नजर आता है इस जुल्फिकार के बारे में अगर ग्रैंड लीग में आप जरूर कर सकते हो तरार को बाकी ये जुल्फिकार ने चार मैच मारे बैटिंग सेक्शन में सेफ ऑप्शन है आई मर्चेंट जो आपके लिए ग्रैंड लीग के पिक बन सकता है छह मैचेस में सेवेंटी सेवन रन स्कोर किए और पांच विकेट निकाले तो कहीं कही ना कहीं देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है बैटिंग और बॉलिंग के साथ बहुत कम सिलेक्शन रेट है ग्रैंड लीग के लिए पंट पिक बन सकती है और दस ओवर बॉलिंग करी है ओ, ओ, कुरेशी के बारे में नौ मैच छत्तीस रन सात विकेट अट्ठारह ओवर हर मैच तो कही कही में अपने दो ओवर कंप्लीट करे तो कहीं ना कहीं मैं अपनी टीम में लेने वाला बॉलिंग सेक्शन में रंधावा नौ मैच छत्तीस रन एक विकेट ना बैटिंग से कुछ खास कंट्रीब्यूशन है और बॉलिंग से सिर्फ एक ही विकेट निकाला नौ मैच में जहां सिर्फ पांच ओवर बॉलिंग करिए तो उतना इंपॉर्टेंट मुझे रंधावा नजर नहीं आता है बाकी इकबाल के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे छह मैचेस में छह रन बनाए इग्नोर करेंगे इश्तशाम ने भी तीन मैच पांच रन बनाए इग्नोर करेंगे आमिर खान ने आठ मैच में छ विकेट लिए बारह ओवर बॉलिंग करी टीम में ले सकते हो बट एक जो आपके लिए थोड़ा स्पेशल पिक बन सकता है वो है यहाँ पे एफ मुश्ताक तीन मैच में चार विकेट लिए जस्ट तीन मैच में ही चार विकेट ले चुका है सिर्फ पांच ओवर बॉलिंग करके तो कहीं ना कहीं मुश्ताक के पास वो कैपेबिलिटी है आप टीम में लेके जा सकते हो बेंच में अगर देखा है तो अशरफ नौ मैच सत्रह रन गौहर तीन मैच एक रन आसिफ आठ मैच पांच विकेट ग्रैंड लीग के ट्राई कर दस ओवर बॉलिंग करी और चौधरी ने तीन ओवर में कोई रन नहीं मारा ना कोई विकेट लिया इंपॉर्टेंट बोलेगा तो टॉप थ्री इंपॉर्टेंट बनेगा देन जुल्फिकार बैटिंग सेक्शन में सेफ बनेगा ग्रैंड लीग में मर्चेंट को ट्राई करेंगे बॉलिंग में कुरेशी सेफ ऑप्शन है और यहाँ पे अगर बात की जाए तो मुझे लगता है आमिर खान और मुश्ताक आपके लिए बॉलिंग में अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं फिलहाल मैं आपको एक स्मॉल लीग की टीम दे रहा हूँ और तीन ग्रैंड लीग की टीम दे रहा हूं सेम टीम के किसी भी ऐप में जा सकते हो ना ही कोई क्रेड का इश्यू आने वाला है कुछ रीजन की वजह से कई ऐप्स को हम वीडियोस में शो नहीं कर सकते इसलिए आप सेम टीम जो दूंगा इस ऐप की किसी भी ऐप में लगा सकते हो बट हम लास्ट दो साल से इस ऐप में खेल रहे हो और हमने रेगुलरली काफी अच्छा विन भी करा है आप भी अच्छा विन कर सकते हो अगर आप भी इस ऐप में खेलना चाहते हो इस ऐप का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करोगे तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और रेफर कोड रहेगा डॉक्टर डी ओ सी टी ओ आर साइनअप करते हुए रेफर कोड डॉक्टर डालोगे तो आपको बोनस मिल जाएगा फ्री का और दूसरा है कि आप हमारे फैंटेसी डॉक्टर की फैमिली में ऐड हो जाओगे जिससे आपको फ्यूचर में इस ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आएगी भी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना आपका एक दिन में सोल्यूशन हो जाएगा वैसे कोई आएगी नहीं प्रॉब्लम ठीक है ध्यान रख के चलना रेफर कोड की इंपॉर्टेंस आती है साइन अप करते हुए स्मॉल लिग की टीम मैंने ये क्रिएट किया इसमें एक आधा चेंज मैं कर सकता हूँ मैं एम ए आर की टीम को थोड़ा फेवरेट बना के चल रहा हूँ ख्वाजा को लिया है नौ मैच में एक सौ इक्यानवे रन है अच्छी फॉर्म में है मुश्ताक ने सिर्फ नौ मैच सत्तर रन मारे और बैटिंग ऑर्डर भी नीचे इसलिए अगर आपको ट्राई करना है तो ग्रैंड लीग की रिस्की टीम में ट्राई कर सकते हो तो, बाकी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है बाकी हैदर को मैंने लिया है यहां मैंने लिया वकास वक्का यहाँ पे मैंने लिया है जुल्फी कार को ठीक है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप ले सकते हो आ, रंधावा देखो तो यार उतना कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन ना नहीं नौ मैच से छत्तीस रन और एक ही विकेट लिया है लोन ने भी कुछ नौ मैच से छत्तीस रन मारे हैं और उल्लाह के बारे में अगर बात की जाए तो कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है नौ मैच से छियालीस रन है वक्का से कि थोड़ी बहुत बैटिंग के बाद बॉलिंग कर लेता है और पांच मैच में आई थिंक तीस के आसपास है कुछ रन है और बीस रन के आसपास है और यहाँ पे एक दो विकेट भी निकाले हैं तो या तो आप एफ के साथ जाओ या तो आप रंधावा को पिक कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बाकी मैं जा रहा हूँ जेड महमूद के साथ एस अली के साथ तरार के साथ और सुलेरी के साथ आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना मर्चेंट को मर्चेंट ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक सोफा टूर्नामेंट में करी है बाकी मैंने आई एल को लिया कुरेशी को लिया रजा को लिया अब रजा की जगह मैं मेरे मन में कहीं कही कही ना कहीं एफ मुश्ताक चल रहा है तीन मैच में चार विकेट निकाल चुका और जस्ट पांच ओवर बॉलिंग करी है इसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो आप आमिर खान के साथ जा सकते हो जिसने अच्छी बॉलिंग करी है ग्रैंड लीग में आप आसिफ खान को ले सकते हो ठीक है तो आपके पास तीसरा जो बॉलिंग के ऑप्शन है उसके पास काफी कंटेंडर है तो कहीं ना कहीं मुश्ताक आसिफ खान और यहाँ पे रजा में से किसी एक के साथ जा सकते हो बट एम की टीम स्ट्रॉन्ग इसलिए मैं थोड़ा एम के बॉलर को लेकर जा रहा हूँ कैप्टनसी मेरे लिए एस अली रहने वाला है कन्फर्म वाइस कैप्टन के साथ आपका तरार है महमूद है और तीसरा ऑप्शन आपके लिए एच सुलेरी तो ये वाइस कैप्टनसी के तीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है अब आते हैं ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर तो ग्रैंड लीग की टीम वन जो रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए ग्रैंड लीग की टीम वन ये रहेगी ठीक है यहाँ पे मैंने क्या करा है रंधावा को लिया है और दूसरा मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाइस कप्टनसी चेंज करा है तीसरा मैंने मुश्ताक को लिया तो ये तीन चेंज ग्रैंड लीग की टीम वन पे करें ग्रैंड लीग की टीम टू जो रहेगी उसमें मैंने क्या करा ग्रैंड लीग की टीम टू में मैंने यहाँ पे देखोगे तो ज़्यादा कुछ चेंज किया नहीं बैटिंग में ना विकेट कीपिंग में यहाँ मैं मर्चेंट के साथ गया हूँ तरार की जगह और यहाँ पे मैंने आमिर खान को लिया है और ग्रैंड लीग की टीम थ्री रहेगी मेरी ये ग्रैप्टनसीप्टी रिवर्स कर दिया है कैप्टेंसी थोड़ा डिफरेंट बनाया बाकी आ, लोन को ट्राई है मुस्तफ़ा ग्रैंड विकेट कीपिंग की में रिस्की ऑप्शन है तो ये ग्रैंड लीग की रिस्की टीम बन जाएगी टीम थ्री बाकी स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की जो तो फाइनल अपडेटेड टीम होगी मैं वो आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा तो टेलीग्राम तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना उसका लिंक वीडियो के नीचे कमेंट मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन उसको आपको ज्वाइन कर लेना तो ध्यान से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जैसे मैंने आपको बताया तो मिलता फाइनल टिकट टेलीग्राम पे जहन दोस्तों बाय बाय बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहले आए जब भी वीडियो अपलोड करूँ यूट्यू पे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना लिंक के थ्रू वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है तो मिलता फाइनल टिकट टेलीग्राम पे जहिंद दोस्तों बाय बाय